अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? होप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे चैनल एजुकेशन की वीडियोस के हवाले से है। सो आज जो टॉपिक इस वीडियो में हमने डिस्कस करना है वो है हमारे पास रोल ऑफ कैल्शियम एंड आयरन। ये आज का हमारा टॉपिक है। सो बेसिकली ये क्लास नाइन्थ की बायोलॉजी की बुक का चैप्टर नंबर 8 है, डेट इज़ न्यूट्रिशन, उसका हमारे पास ये टॉपिक है। अब हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें। हमारा आज का टॉपिक है रोल ऑफ कैल्शियम एंड आयरन, आयरन और कैल्शियम का रोल। कैल्शियम इज़ द एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ बोन्स एंड टीथ। जो कैल्शियम होता है वो बहुत ज़्यादा एसेंशियल होता है और डेवलपमेंट के लिए बोन्स और टीथ की, और मेंटेनेंस के लिए भी। इट इज़ ऑल्सो नीडेड फॉर मेंटेनिंग सेल मेम्ब्रेन एंड कनेक्टिव टिश्यूज। ये सेल मेम्ब्रेन को मेंटेन करने के लिए भी ज़रूरी होता है और कनेक्टिव टिश्यूज़ के लिए भी, एंड फॉर एक्टिवेशन ऑफ सेवरल एंजाइम्स और बहुत से एंजाइम्स के एक्टिवेशन के लिए भी। कैल्शियम ऑल्सो एड्स इन ब्लड क्लॉटिंग। कैल्शियम जो होता है वो ब्लड क्लॉटिंग में भी हेल्प करता है। ह्यूमन गेट्स कैल्शियम फ्रॉम मिल्क, चीज़, एग योक, बीन्स, नट्स, कैबेज। जो ह्यूमंस होते हैं वो कैल्शियम को हासिल करते हैं मिल्क से, चीज़ से, एग योक से, बीन्स से, नट्स से और कैबेज से। डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम कॉजेज स्पॉन्टेनियस डिस्चार्ज ऑफ नर्व इम्पल्स। जो डेफिशिएंसी होती है कैल्शियम की वो कॉज करती है, वजह बनती है स्पॉन्टेनियस डिस्चार्ज के नर्व इम्पल्स की, विच में रिजल्ट इन टैटनी, जिससे टैटनी भी हो सकता है। बोन्स ऑल्सो बिकम सॉफ्ट, बोन सॉफ्ट भी बन सकती हैं। ब्लड क्लॉट स्लोली, ब्लड स्लोली क्लॉट होता है, एंड वाउंड सीड स्लोली, और वाउंड जो है वो हील होते हैं स्लोली। आयरन प्ले आर मेजर रोल इन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज। जो आयरन होते हैं वो एक मेजर रोल प्ले करता है ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट में और स्टोरेज में। इट इज़ द कंपोनेंट ऑफ हीमोग्लोबिन इन रेड ब्लड सेल्स। ये एक कंपोनेंट होता है हमारे पास हीमोग्लोबिन का रेड ब्लड सेल में, एंड मायोग्लोबिन इन मसल सेल और मायोग्लोबिन का मसल सेल में। सेलुलर एनर्जी प्रोडक्शन ऑल्सो रिक्वायर आयरन। जो सेलुलर एनर्जी प्रोडक्शन होती है उसमें भी आयरन की रिक्वायर होती है, हमें आयरन रिक्वायरमेंट होती है। इट एक्ट एज द को फैक्टर फॉर मेनी एंजाइम्स ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। ये को फैक्टर के तौर पर काम करता है बहुत से एंजाइम्स में और सेलुलर रेस्पिरेशन में। आयरन ऑल्सो सपोर्ट इम्यून फंक्शन। आयरन इम्यून फंक्शन को भी सपोर्ट करता है। ह्यूमन गेट आयरन फ्रॉम रेड मीट, एग, योक, होल व्हीट, फिश, स्पेंच और मस्टर्ड एट्सेट्रा। इन सब से भी हम ह्यूमंस बेसिकली आयरन हासिल करते हैं। इट्स डेफिशिएंसी इज़ द इम्पोर्टेंट कॉमन न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी वर्ल्ड वाइड। इसकी जो डेफिशिएंसी होती है वो इम्पोर्टेंट कॉमन डेफिशिएंसी वर्ल्ड वाइड होती है। आयरन डेफिशिएंसी कॉजेज अनीमिया। आयरन की डेफिशिएंसी से बेसिकली अनीमिया होता है। गुड कैल्शियम न्यूट्रिशन अलॉन्ग विद लो सॉल्ट एंड हाई पोटेशियम इनटेक प्रिवेंट फ्रॉम हाइपरटेंशन एंड किडनी स्टोन्स। जो गुड कैल्शियम की न्यूट्रिशन होती है सॉल्ट लो सॉल्ट और हाई पोटेशियम की इनटेक के साथ, वो हाइपरटेंशन और किडनी स्टोन्स को जो है बेसिकली दूर रखती है। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है विटामिंस। विटामिंस आर द केमिकल कंपाउंड्स। विटामिंस वो केमिकल कंपाउंड होते हैं डेट आर रिक्वायर्ड इन लो अमाउंट, जो बहुत कम अमाउंट में हमें चाहिए होते हैं, बट आर एसेंशियल फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। लेकिन नॉर्मल ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म के लिए ज़रूरी होते हैं। विटामिंस में भी डिवाइड इन टू ग्रुप्स। विटामिंस को हम दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। फैट सोल्यूबल विटामिंस ए, डी, ई एंड के, ये आ जाते हैं फैट सोल्यूबल में, एंड द वाटर सोल्यूबल विटामिंस और वाटर सोल्यूबल विटामिंस, जिसमें विटामिन बी एंड विटामिन सी आ जाता है। कुकिंग और हीटिंग डिस्ट्रॉय द वाटर सोल्यूबल विटामिंस मोर रेडली देन फैट सोल्यूबल विटामिंस। जो कुकिंग और ईटिंग होती है, हीटिंग गर्म करना, वो विटामिंस को वाटर सोल्यूबल विटामिंस को ज़्यादा इजीली खत्म कर देती है एज कम्पेयर टू फैट सोल्यूबल। फिर है हमारे पास विटामिन ए। विटामिन ए वाज द फर्स्ट फैट सोल्यूबल विटामिन आइडेंटिफाइड इन 1913। इट कम्बाइंस विद अ प्रोटीन कॉल्ड ऑप्सिन टू फॉर्म रेडोप्सिन इन द रेड ब्लड रेड कॉर्न रोड सेल्स ऑफ द रेटिना ऑफ द आई। व्हेन विटामिन ए इज इनएडिक्वेट, जब ये इनएडिक्वेट होता है द लैक ऑफ रेडोप्सिन मेक्स इट डिफिकल्ट टू सी इन द डिम लाइट, तो डिम लाइट में ये देखने को मुश्किल कर देता है। इट ऑल्सो इन्वॉल्व इन द सेल डिफरेंशिएशन। ये सेल डिफरेंशिएशन में भी इन्वॉल्व होता है, प्रोसेस थ्रू विच एम्ब्रियोनिक सेल ट्रांसफर इन टू मैच्योर सेल। जिस प्रोसेस के थ्रू एम्ब्रियोनिक सेल मैच्योर सेल में ट्रांसफर होता है विद स्पेसिफिक फंक्शन के साथ। विटामिन ओ ए ऑल्सो सपोर्ट बोन ग्रोथ एंड इम्यून फंक्शन। विटामिन ए सपोर्ट करता है बोन की ग्रोथ को और इम्यून फंक्शंस को। और ये हमारे पास एक और साइड बॉक्स है जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। होप्स आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अल्लाह।